सलमान को कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं? वेल, सलमान भाई को तकरीबन मैं 4 साल पहले आलिम हाकिम की दुकान पे मिला था, और तब से लेके आज तक उनसे जहाँ भी मुलाकात होती है बड़े अच्छे से मुलाकात होती है। स्पेशली हम लोग जीफा अवार्ड्स के अंदर गए थे मलेशिया में, तो वहाँ पे कुछ समय और वक्त हमने साथ में गुजारा, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम बिता के। अच्छा, वो जैसे लोगों के सामने पेश आते हैं, लोग कहते हैं कि वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत ही खुश मिजाज है, वो बहुत हंसी मजाक करते रहते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरीके के हैं सलमान भाई? बहुत ही हंसी मजाक वाले आदमी हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं, सामने से आके लोगों को हेल्प करते हैं, और कोई भेदभाव नहीं रखते कि आप स्टार हैं या स्टार नहीं हैं। तो मैं तो एक मॉडल हूँ और एक मॉडल था जब मैं उन्हें मिला था, लेकिन हमेशा मुझे बहुत ही इज्जत से उन्होंने जहाँ भी मिले बहुत इज्जत से गले लगाया और बहुत प्यार से मिले मुझे। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि सलमान के बारे में जैसे बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था कोई गली में, इसका नाम खामोखा सलमान खान पे लगाया गया था, वो इल्ज़ाम जो बाद में पता चला कि वो सलमान खान वहाँ पे थे ही नहीं, वो तो वो जो कैनेडियन लड़की थी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, तो आपको क्या लगता है सलमान इतने बड़े स्टार हैं इसलिए लोग उन पर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं? बिल्कुल ज़रूर, मैं यही कहूँगा कि सलमान भाई जो पोजिशन में हैं आज और जितने बड़े इंसान हैं वो, तो इतने बड़े स्टार हैं, तो यही वजह है उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उन्हें जो कंट्रोवर्सीज़ में खींचा जाता है उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो बहुत बड़े स्टार हैं। अच्छा, आप ब्लैक बक केस के बारे में क्या जानते हैं सलमान को लेकर? देखिए, वो जो केस जो भी था, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एवरी डे रोज़ शिकार खेलते हुए लोग पकड़े जाते हैं और वो 2 या 3 दिन में छूट जाते हैं, उनके केस भी ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 महीने में उनके केस भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सलमान भाई को शायद, अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इतने बड़े स्टार हैं इसीलिए उनके केस को इतना हाईलाइट किया गया, और जो भी है आई थिंक इस इंडिया में रोज़ इस तरह के केसेस होते हैं। मैंने खुद अपने मैंने बहुत लोगों को देखा है भोपाल के अंदर के शिकार में पकड़े गए और वो तकरीबन 15 या 20 दिन बाद छूट जाते हैं, लेकिन सलमान भाई का केस शायद इसीलिए खींचा गया क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार हैं। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि लोग कुछ कहते हैं कि वो सलमान बहुत पार्टी करने के बहुत शौकीन हैं और पार्टी? एक बार मैं उनके घर पे गया था, बड़ी मेहमान नवाजी उनके अंदर बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो इंदौर के रहने वाले, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, हर आदमी का ख्याल रखते हैं किसने खाना खाया या जिसको भी जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो उसकी पूरी करते हैं और बहुत ही ख्याल रखते हैं, बहुत ही मेहमान नवाजी उनकी बहुत अच्छी है।